Namaste. Five minutes yoga for reduce belly fat. So let's start. Lying down on your back, your both legs straight, and start right leg one by one bang five times. And try to practice both the sides. So first right leg, and now side change, left leg. Keep breathing and continue. फाइव टाइम्स नाउ बोथ नीज बैंड एंड स्ट्रेट इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ सपोर्ट दोनों हाथ आप हिप्स के नीचे रख सकते हो एंड कंटिन्यू फाइव टाइम्स स्टार्टिंग है तो हम फाइव टाइम्स कर रहे हैं आप बाद में सेकेंड्स इंक्रीज कर सकते हो टेन टाइम्स फिफ्टीन टाइम्स आप कर सकते हो नाउ योर बोथ नीज बैंड ऑन योर स्टमक एंड वन बाय वन लेग स्ट्रेट की ब्रीथिंग

And down, continue, focus on your breathe and continue. Keep breathing, inhale and exhale. Come back, your knees band on your yoga mat. Okay, now your both legs up and start cycling so five to ten times clockwise and five to ten times anti clockwise. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है जब भी हम योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका बैली स्टमक खाली होना चाहिए की ब्रीथिंग दोनों ने बैंड बैंड करने योगा मैट पे एंड नाउ दोनों लेग्स आप करिए नाइन्टी आप वॉल के सपोर्ट से भी होल्ड कर सकते हो दोनों हाथ से भी सपोर्ट दे सकते हो एंड ट्राई टू होल्ड इन नॉर्मल ब्रीथ स्टार्टिंग में आप दस सेकेंड कर सकोगे उसके बाद आप सेकेंड्स इंक्रीज कर सकते हो नॉर्मल ब्रीथ में होल्ड करना है इससे आपकी लेग फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी कोर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी प्लस हमारी बेनीफेट कम करने में भी हेल्प करेगा नाउ नॉर्मल ब्रीथ एंड स्टार्ट सीज लाइक इन हेल एक्सीलेंट वन बाय वन यस की ब्रीथिंग कंटिन्यू फाइव टू टेन टाइम्स बट लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए की ब्रीथिंग नाउ दोनों लेग्स ब्रॉड एंड टुगेदर आप दोनों हाथ का सपोर्ट ले सकते हो कीप ब्रीथिंग एंड कंटिन्यू फाइव टू टेन टाइम्स बट नीज स्ट्रेट रखनी है दोनों हाथ नीचे हिप्स के नीचे रख सकते हो सपोर्ट के लिए इन हेल एग्स इल दोनों नीज बैंड ऑन योर स्टमक एंड रिलैक्स की दोनों लेग स्ट्रेट कर दीजिए योगा मैट पे दोनों हाथ साइड में ना वो राइट लेग थर्टी डिग्री आप करना है एंड ट्राई टू होल्ड मिनिमम फाइव टू टेन सेकेंड्स एंड देन आप सेकेंड्स इंक्रीज कर सकते हो इससे आपकी लेग स्ट्रेचिंग के साथ आपकी बैली फैट भी कम होगी प्लस आपकी कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होंगी लेग स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी सो कीप ब्रीथिंग एंड ट्राई टू होल्ड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है दोनों लेग्स को साथ में थर्टी डिग्री अप करना थर्टी टू फोर्टी डिग्री अप करना है नी स्ट्रेट रखनी है एंड होल्ड करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में बट अगर रेगुलर करोगे तो वो ईजी हो जाएगा नॉर्मल ब्रीथ नाउ राइट लेग आप कीजिए आपकी साइड में आप स्ट्रैच कीजिए मैक्सिमम जितना कर सकते हो एंड देन राइट नी बैंड करिए स्टमक पे नॉर्मल ब्रीथ एंड देन नोज एंड नी टच इन नॉर्मल ब्रीथ होल्ड लेफ्ट लेग थर्टी डिग्री आप एंड रिलैक्स सेम प्रैक्टिस दूसरी साइड लेफ्ट लेग आप स्ट्रेच नी बैंड कीजिए नॉर्मल ब्रीथ नोज एंड नी टच लेग आप कीजिए एंड होल्ड जितना आप होल्डिंग करोगे उतने आपको बेनिफिट्स मिलेंगे सो so, आसनास में होल्डिंग कीजिए काउंटिंग बढ़ाइए एंड ट्राई कीजिए जितना होल्ड कर सको उतना दोनों लेग साथ में स्ट्रेच करना है की ब्रीथिंग नोज एंड टच एंड स्लोली कम बैक नॉर्मल ब्रीथ नाउ ब्रिज पोस्ट सो so, दोनों नीज के बीच में लेग्स के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है हिप्स अप एंड डाउन टोटल फाइव टू टेन टाइम्स करना है बट आप जब ये कर रहे हो आपको राइट right साइड या लेफ्ट साइड नहीं देखना है दोनों हाथ से लोअर बैक को सपोर्ट देना चाहो तो दे सकते हो नाउ होल्ड करेंगे ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन में सो इनहेल एंड एक्स हेल आप ट्राई टू होल्ड आपको थाइस पे बैलिस पे स्ट्रेचिंग आएगी कीप ब्रीथिंग एंड ट्राई टू होल्ड Minimum 5 to 10 seconds and then slowly come back. Normal breathe and relax. Your both legs broad, your both hands side. Normal breathe and relax. Thank you so much. Stay healthy and happy.